नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बढ़ते हुए ठंड के बारे में। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आने वाले दो दिनों तक राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में अभी और भी ठंड बढ़ने की बात कही गई है। इससे मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य भर में 7 जनवरी तक के लिए जो है शीत दिवस अलर्ट जारी कर दिया था। इस दौरान न केवल दिन का अधिकतम तापमान बल्कि रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से काफ़ी नीचे रहने के आसार है। बुधवार को पटना और गया में घना कोहरा रहा। दृश्यता मात्र 50 मीटर यानी कि देखने की जो क्षमता थी वो मात्र 50 मीटर की थी। साथ ही साथ अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे रहने की वजह से पटना, भागलपुर, पूर्णिया, सुपौल और दरभंगा में शीत दिवस की घोषणा मौसम विभाग ने कर दी। इधर मौसम के जानकारों का कहना है कि झारखंड से सटे जिलों को छोड़ दे तो राज्य भर में बुधवार को शीत दिवस जैसी परिस्थितियां ही देखने को मिली। अगर हम दक्षिण बिहार के जिलों की बात करें तो जहानाबाद में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि घने कोहरे और कनकनी से लोगों के जीना मुहाल हो गया है। ठंड के प्रकोप से लोगों का जीना मुहाल तो है ही, सबसे ज़्यादा परेशानी जो है काम पर बाहर निकलने वाले लोगों को हो रही है। कनकनी इतनी है कि घर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। कनकनी के कारण लोग अपने घरों में ही डूबके हुए एक तरह से कह ले कि रहना पसंद कर रहे हैं। पटना गया रेलखंड पर भी कोहरे के कारण यात्रियों की भारी परेशानी पड़ रही है। आपको बता दें कि ये वो रेलखंड है जहां सबसे ज़्यादा एक तो पीजी ट्रेनें जो चलती है और उसके बाद इन ट्रेनों में, पैसेंजर ट्रेनों में यातायात करने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। और ऐसे में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो इनमें जो है और भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवादा में बुधवार को भी कोहरे भरी सुबह रही। घने कोहरे और धुंध से लोगों को भी यहाँ जो है परेशानी देखने को मिली और यहाँ भी जो विजिबिलिटी थी वो 50 मीटर से अधिक नहीं रही। ऐसे में वाहन को जो है हेडलाइट के सहारे जाया गया और यातायात में भी जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतम तापमान जो है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस। इन्हीं सब कारणों से जो है ठंड और कनकनी ने लोगों को जो है परेशान कर रखा है। इस बीच मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे की तरह मौसम आगे भी शुष्क बना रहेगा, जबकि अगले 24 घंटे में से 28 घंटे के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। ऐसे में ठंड से मामूली तौर पर राहत मिल सकती है। उत्तर बिहार के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, इसके चलते जो है पछुआ हवा भी चल रही है। दिन के तापमान में खासकर अधिक गिरावट हो रही है। लोगों को सिहरन वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। दिन में धूप खिलने के बाद भी राहत नहीं मिल रही। साल 2014 से लेकर अब तक 1 से 5 जनवरी के बीच के दिन के तापमान में इतना कम कभी नहीं हुआ था। बुधवार को करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चली। हवा चलने से कनकनी जो है हम आप एक बार फिर से महसूस कर रहे हैं। बिहार में लगातार लुढ़कते जा रहे पारे के बाद अचानक बड़ी ठंड ने मानो आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार 4 से 5 दिनों से बढ़ रही ठंड ने लोगों को दिनचर्या में जो है काफ़ी परिवर्तन ला दिया है। लोग किसी भी तरह से आग जलाकर अलाव के नीचे बैठने को मजबूर हो गए हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी तो उन लोगों को है जो कि हम आपसे ठंड के बारे में कह भी नहीं पा रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जानवरों को लेकर। तो हमें एक बार जो है पशु पक्षियों को लेकर भी सोचने की ज़रूरत है, जानवरों को लेकर भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इस कड़ाके की ठंड में उन्हें भी जो है किस तरह से राहत पहुँचाई जा सकती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।